इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा सावनेर द्वारा जीवन रक्षक ORS घोल व स्तनपान जन जागृति रैली तथा जगह जगह नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर इसका महत्व बताया गया। रैली का शुभारंभ IMA हॉल से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विलास मानकर, वरिष्ठ चिकित्सक तथा पूर्व अध्यक्ष विजय धोटे, डॉक्टर विजय घटे, डॉक्टर रविन्द्र नाकाड़े, डॉक्टर विनोद बोकड़े, डॉक्टर नीलेश कुंभारे, डॉक्टर आशीष चांडक, डॉक्टर अमित बाहेती, डॉक्टर प्रवीण चौहान, डॉक्टर शिवम पुनियानी आदि ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इस जन जागृति रैली में आकार रंगभूमि एंड कल्चरल एकेडमी, सुवर्णा नर्सिंग कॉलेज, NITM नर्सिंग कॉलेज के नर्सिंग प्रशिक्षणार्थी छात्र तथा शहर के सभी चिकित्सकों ने भाग लेकर इसे सफल बनाने हेतु प्रयास किए। सर्वप्रथम बस्थानक परिसर में स्थित आस्था लैबोरेटरी के प्रांगण में आदिम रंगभूमि व सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के कलाकारों ने नुक्कड़ चौराहे पर खुले में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ तथा पानीपुरी आदि से होने वाले विकार तथा उत्पन्न होने वाली जानलेवा बीमारियों, जीवन रक्षक घोल ORS किस प्रकार उपयोगी है, नवजात शिशु के लिए माता का दूध अमृततुल्य होता है, इसलिए माताओं ने बच्चों को कम से कम 6 माह स्तनपान जरूर कराए तथा खाने से पहले हाथों को साबुन से स्वच्छ धोए ताकि हम स्वस्थ रहे, इस विषय पर जनजागृति हेतु नुक्कड़ नाटक द्वारा प्रस्तुति देकर वाहवाही लूटी। वही उपस्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जीवन रक्षक घोल ORS घोल के पैकेट वितरित कर इसका महत्व बताया गया। आयोजन के सफलतार्थ डॉक्टर संगीता जैन, डॉक्टर ज्योत्सना धोटे, डॉक्टर करुणा बोकड़े, डॉक्टर प्राची भगत, डॉक्टर रेणुका चांडक, डॉक्टर अंकिता वाहिती, डॉक्टर रिंकू मुंडे, डॉक्टर मीनल डोंगरे, मोनाली पाटोड़े, लक्ष्मी भगत, स्वाति पुनियानी, प्रीतम निचद, मयूर डोंगरे, विशाल महंत, केतन खरबड़े आदि ने परिश्रम किया। आकार रंगभूमि व कल्चरल एकेडमी के साथ आकार रंगभूमि व कल्चरल एकेडमी के आकाश पौनीकर, बाल कलाकार स्वराज राउत, सिद्धांत शिरसागर, शिप्रा विंचुरकर, राज नंदिनी नहाते, प्रियंका रंगारी, प्रेम बानखेड़े, पीयूष खोरडे आदि नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य तथा सभी छात्राएं प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ORS घोल के संदर्भ में जो जन जागृति की रैली निकाली, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो जन जागृति रैली है ORS रैली से कहते हैं, ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, अपन मराठी में हिंदी में इसको जल संजीवनी करते हैं। ऐसा है कि जब बच्चों को उल्टी और संडास की बीमारी होती है उसके वजह से उनके शरीर में का पानी कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी बाहर का खाने पीने से दूषित चीज़ें खाने से जो उल्टी होती है उसमें भी संडास होती है, बड़ों को भी हो सकता है, उनके भी शरीर में का पानी कम हो जाता है। यदि धूप में गए और पानी का यदि शरीर में अभाव हुआ तो चक्कर आता है, बेहोश होते हैं, उसने भी ऊपर ORS का घोल ले सकते हैं। अरे जो भी चीज़ में शरीर को कमजोरी आती है जिसमें शरीर में का पानी और इलेक्ट्रोलाइट कम होते हैं उसमें ORS यानी जल संजीवनी जादुई जैसा काम करती है और जान बचाती है। लेकिन पहले भी हमने देखा है कि समझो अगर कहीं जल संजीवनी नहीं मिल रही है, ORS का पैकेट नहीं मिल रहा है, तो क्या नमक शक्कर और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात पूछा आपने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नमक शक्कर और पानी ये सब घरों में उपलब्ध रहता है। तो एक लोटा भर पानी लीजिए, 2 चिमटी भर नमक लीजिए और अपना जो ये हाथ है इतना शक्कर उसमें डाल के घोलिए और जितनी प्यास है उतना पिलाने को घोलिएगा। यह जल संजीवनी जैसा ही काम करता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इतना है कि जितनी प्यास है उतना पिलाइए। तो ये जो चीज़ है ये सस्ती है और ये चीज़ फ्री ऑफ चार्ज भी मिलती है हर सरकारी दवाखाने में, इवन प्राइवेट वाले भी लोग ये फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। तो जो चीज़ जो जान बचाती है, ये जो सब चीज़ें मैंने बताया, इनसे कभी भी जान जा सकती है। और बहुत सारी जो डायरिया में संडास की बीमारी में जो जान जाती है वो बीमारी की वजह से नहीं जाती है, वो शरीर में जो पानी कम होता है, इलेक्ट्रोलाइट कम होता है, उसके वजह से जान जाती है। कोई भी उल्टी संडास के जो आजार होते हैं वो 1-2 दिन में तो ऑटोमेटिकली ठीक होते हैं। IMA ने एक अच्छा उपक्रम चालू किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। व्यायाम रखें, थोड़े खाने की आदत में सुधार लाएं, अच्छा हेल्दी खाएं, उसमें फल हो गई, हरी सब्जियां हो गई, और सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। वर्किंग वुमेन रहती है वो अपना टाइम कर नहीं सकती मैनेज, इसलिए वो टाइम से खाना खाए, व्यायाम करें और अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा हेल्दी करें, तो वो उसके बच्चों के लिए भी आगे अच्छा होगा। थैंक यू। प्रचलन बढ़ रहा है, ऐसे में आप महिलाओं को क्या संदेश देंगे? स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, जिसको बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर्स, आजकल मोस्ट ऑफ द समझ लो 50% से भी ज़्यादा लोग वर्किंग हैं, तो एक मेजर प्रॉब्लम लेडीज़ को ये होता है कि पौष्टिक
आहार मिलना वर्किंग होते हुए और साथ में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना, दो चीज़ें बहुत ही निगलेक्ट होती है। तो इसके लिए एक ऑप्शन एक्सप्रेस मिल्क का होता है, जिसमें हम आप ब्रेस्ट मिल्क को 8 घंटे तक स्टोर करके रख सकते हैं और बच्चे को वो पिला सकते हैं। तो पौष्टिक आहार सिर्फ माँ का दूध ही है, तो उसको कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। और बाहर के खान पान के लिए मेरा ये कहना है कि ये आप खुद में अपने आप में ये हैबिट डालिए कि जितना ज़्यादा हो सके हेल्दी फूड, और वही आप जो आप हेल्दी करेंगे वही आपके बच्चे को आप आगे जाके दे सकेंगे। कारण न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे बे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न, स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरी आउटर रिंग रोड पोस्ट बेसा नागपुर। अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज।